गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी का 12वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है उपनिषद कथा। देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे पुराण हो गया, वेद हो गया, वैसे ही उपनिषद है। उपनिषद में भी अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। तो ये देखिए कथा जो ली गई है आपकी उपनिषद कथा से ली गई है। तो देखिए इसमें जो भारतीय संस्कृति है, हमने बताया उपनिषद एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे हमारे संस्कारों को, संस्कृतियों को लिया गया है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को बताया गया है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो देखिए ईश्वर को हम कैसे जाने, संपूर्ण संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है, ईश्वर ने किया है। सभी प्राणियों को शक्ति देने वाला कौन है, ईश्वर है। अगर वह शक्ति ना दे, वह इस संसार को ना चलाए तो यह संसार चल नहीं सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जल, वायु, पृथ्वी, ये सब क्या है, ईश्वर द्वारा दिया गया है, ईश्वर ने बनाया है, हम आपने तो बनाया नहीं है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई एक ईश्वर है जो इस संसार को क्या करता है, चला रहा है, जो इस संसार को एक प्रकार से नियंत्रित कर रहा है। तो देखिए अनेक प्रकार के देवता, जैसे नाम हम जानते हैं अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, ये सभी अनेक प्रकार के देवता हैं। तो और देखिए आत्मा सबसे बड़ा कौन है इस संसार में, सबसे बड़ा कौन है। एक बार सभी इंद्रियों का आपस में झगड़ा हो गया। आकाश कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, यदि मैं देखना बंद कर दूँ तो मनुष्य कोई भी काम नहीं। आँख कह रही है, आँख से हम कोई कार्य देख के कर सकते हैं, लेकिन जो अंधा व्यक्ति है वह भी तो कार्य कर करता है। ऐसा तो बात नहीं है कि जो अंधा व्यक्ति है वो बिना देखे कोई कार्य नहीं करता, वो भी कर लेता है। कान बोला हम सुने ना, अर्थात मैं अगर काम ना करूँ कोई काम आप सुन नहीं सकते हैं। जीव ना किसी से प्रकार सभी एक एक दिन सभी लोग छुट्टी ले लिए। इसके निर्णय का था पहले आपने छुट्टी ले, नेत्रहीन लाठी को लेकर चलने लगा, अपना काम भी करने लगा। कहने का था यदि कोई भी सोचे कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो इस शरीर में या इस संसार में कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। किसी ना किसी के बिना हर कोई कार्य संभव हो सकता है। इस शरीर में प्राण ही जीवन का आधार है। जब प्राण नहीं रहे तो इंद्रियां अपना कार्य करना छोड़ देती है, शरीर मृत हो जाता है और इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। अतः शरीर में प्राण ही मुख्य है। प्राण का अर्थ है क्या, आत्मा। शरीर में आत्मा ही प्रधान है, अतः आत्मा को संवारना, सुधारना, आत्मा अमर है। शरीर क्षणिक है। जो लोग मात्र शरीर को सजाते हैं और आत्मा की चिंता नहीं करते वे भूल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से आत्मा मलिन होती है। इंद्रियां संसार की विषय वासनाओं की तरफ ले जाती हैं। इंद्रियों को वश में करना चाहिए जिससे आत्मा मलिन न हो। महान मनुष्य आत्मा की उन्नति की चिंता करते हैं और सांसारिक इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं और इंद्रियों और आत्मा में प्रधान है उसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए हमारा शरीर क्या है, उसमें आत्मा नहीं रहेगी तो वह प्राण हो जाएगा, मृत हो जाएगा। इसलिए यदि हमारे शरीर में आत्मा है तो हम कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये सब नहीं होना चाहिए। थैंक यू।